नमस्कार, अर्चना डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। मैंगो आइसक्रीम घर का बना हुआ बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने दशहरी आम लिया है, 2 दशहरी आम लिया है। आप चाहें तो कोई भी आम ले सकते हैं और उसको छिलके उसके पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से उसके पल्प निकालने हैं। आप थोड़े बड़े छोटे जो भी आपके पास मैंगो हो उनसे आप बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने 2 आम के पल्प निकाले हैं और इसको मिक्सी में हम मिक्स कर लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको बंद करके एकदम अच्छे से पीस लेंगे। अब ये मिक्स तैयार हो चुका है, इसको हम एक जगह निकाल के रख देंगे। अब मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया है, करीब 150 ग्राम। व्हिपिंग क्रीम आपको कहीं भी मिल सकता है, आप इसको हेवी मिल्क भी कह सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे मार्केट में। और इसको हम अच्छे से व्हिप्ड मशीन से व्हिप्ड कर देंगे। इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक व्हिप्ड करना पड़ता है। अच्छे से इसको चलाते रहें, पहले 1 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसको 5 तक लेके आए और फिर अच्छे से ये व्हिप्ड हो जाता है। क्रीम से बनी हुई आइसक्रीम बहुत ही अच्छी होती है। आप देख रहे हैं ये व्हिप्ड हो चुकी है, ये बिल्कुल नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये तैयार है। अब हम इसमें मैंगो पल्प मिला देंगे और करीब इसमें 50 ग्राम हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। आप कप से आधा कप डाल के डाल सकते हैं और फिर इसको मिला लेंगे। सब कुछ डालने के बाद फिर से हम 2 मिनट तक इसमें चला देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। देख रहे हैं आप मिक्स होने के बाद कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको जार में रख लेंगे। हम इसको जार में रख लेंगे। 150 ग्राम व्हिप्ड क्रीम से बहुत ज्यादा आइसक्रीम बन जाता है। और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा पिस्ता बारीक कूट के डाल देंगे। मैंने 2 जार में इसको रख लिए हैं और दोनों को बंद करके फ्रीजर में 2 घंटे के लिए पहले रखेंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं और पहले हम इसको एक बार मिला लेंगे। एक बार इसको मिलाना है और फिर से हम इसको बंद करके फ्रीजर में 8 से 9 घंटे के लिए रख देंगे। और 8 से 9 घंटे होने के बाद हम इसको फ्रीजर से निकाल करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से जम चुका है और कितनी यमी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।